नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन से लेकर पुलिस वेरिफिकेशन और साथ ही साथ अलग अलग कंट्रीज़ के वीज़ाज़ के बारे में प्रॉपर रूप से जानकारी दी जाती है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, जिसको लेकर मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, उनके मन में ये कन्फ्यूज़न होता ही होता है और वो इस डाउट को जो है वो अपना समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में उन्हें क्या करना है। और आखिर जो मैं सही बताऊँ, जो इंतज़ार की जो घड़ियाँ होती है ना, मतलब पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद जब आपका अपॉइंटमेंट कम्प्लीट हो जाता है, उसके बाद भाई एक एक सेकंड, एक एक मिनट जो है बहुत मुश्किल से गुजरता है। वो मैं समझता हूँ उस एक्साइटमेंट में कि कब आपके हाथ में जो है आपका पासपोर्ट आएगा और आप अपने पासपोर्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे, पासपोर्ट पे अपना नाम देखेंगे। ओवरऑल जिस डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए आप इतने दिनों से परेशान थे, वो डॉक्यूमेंट आखिरकार कैसे बनेगा। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, वो है पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में। ये जो है सबसे जटिल प्रक्रिया होता है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है पासपोर्ट मेकिंग का, क्योंकि पासपोर्ट अप्लाई जो है बिल्कुल ऑनलाइन होता है, काफ़ी सिंपल है। अगर बंदा ठीक से कंप्यूटर चलाने जानता हो तो मुश्किल से आधे घंटे लगते हैं फॉर्म भरने में। उसके बाद जो है आपको एक अपॉइंटमेंट की एक तारीख दी जाती है, मतलब आपको एक स्लॉट दिया जाता है। उस पर्टिकुलर दिन आपको उस टाइम पे वहाँ पे आपका जो नज़दीकी आपका पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पे आपको विजिट करना होता है और वहाँ पे जो है आपका जो डॉक्यूमेंटेशन या फिर जिसको अपॉइंटमेंट बोल सकते हैं वो आपका कंप्लीट होता है। और मुश्किल से आपको 10 मिनट का टाइम वहाँ पे लगता है। मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि जितना भी पासपोर्ट जो ऑफिस होता है वो एक प्राइवेट कंपनी है, TCS, उनको दिया गया है और वहाँ पे जो भी इंजीनियर्स लोग होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। ऐसे में पर पर्सन जो है मैक्सिमम 10 मिनट का टाइम लगता है। वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक्स वगैरह लिया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाते हैं। ओवरऑल जो है वहाँ पे आपको किसी तरीके का कोई भी इशू नहीं होता है, सारा प्रोसेस जो है वो बिल्कुल स्मूथली चलता है। और आप जैसे ही एग्जिट गेट पे आते हैं तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर दिया जाता है, मीन्स कि आपने जो है अपना अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली कम्प्लीट किया। अब गाइज, ये लोग इतना फास्ट होते हैं कि जैसे ही आपका जो एक्नॉलेजमेंट लेटर जैसे ही प्रिंट होता है, ठीक उसी वक्त जो आपका एक पर्टिकुलर आपके पासपोर्ट एप्लीकेशन का एक फाइल बन जाता है और वो फाइल तुरंत ही आपके नज़दीकी थाना पे चला जाता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। आप जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे, आपको SMS के द्वारा आपको जो है मैसेज आ जाएगा कि योर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन डन सक्सेसफुली, पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस हैज़ बीन इनिशिएटेड। अब असली जो संघर्ष शुरू होता है, असली जो मुश्किल वक्त शुरू होता है, असली जो कह सकते हैं कि जो इंतज़ार, हमारे इंतज़ार को जो और लंबा खींचता है, वो यही टाइम होता है पुलिस वेरिफिकेशन का। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में, ऑलमोस्ट 100 out of 100 लोगों के मन में ये इस बात को लेके क्वेश्चन रहता है कि भाई आखिर पुलिस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है कब कंप्लीट होगा, कितनी जल्दी होगा, कितनी जल्दी मुझे पुलिस कॉल करेगी, ओवरऑल कब पुलिस जो है मेरा क्लियर रिपोर्ट भेजेगी वहाँ पे। क्योंकि जब तक आपका जो क्लियर रिपोर्ट वेरिफिकेशन का पासपोर्ट ऑफिस में नहीं मिलेगा, तब तक आपका फाइल जो है वो प्रोसेसिंग में ही रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे में जब तक आपको जो है पुलिस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरा पुलिस वेरिफिकेशन कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब मुझे पुलिस की कॉल आएगी, और वो उसी इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि आखिरकार भाई अब मैं खुद से कैसे क्या कर सकता हूँ, अब जो करना है उन्हें ही करना होगा। तो भाई यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे जिस तरीके से पासपोर्ट आपको बनवाना था, तो आपने अप्लाई किया, आपको एक अपॉइंटमेंट दिया गया, आप वहाँ पे गए, तो अब आपका जो फाइल है वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए गया है। तो अब आपको खाली नहीं बैठना है, अब आपको इंतज़ार में नहीं बैठना है, क्योंकि आप जितना लंबा इंतज़ार में बैठेंगे आप ये सोचेंगे कि अब मुझे कॉल आएगा, अब मुझे कॉल आएगा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक्सेप्ट अगर आपकी भारत के बड़े बड़े जैसे कि मेट्रो सिटीज़ हैं, अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, या फिर अगर आप इनमें से किसी बड़े शहर से ना होकर किसी गांव या फिर छोटे मोटे ज़िले से हैं, तो भाई आपको जो है सारा जो भी प्रोसेस है, जो भी इनिशिएटिव है, वो आपको खुद से लेना होगा और आपको खुद चलकर आपके नज़दीकी थाने में जाना होगा। वहाँ पे फाइल आपकी पहले से ही पड़ी रहेगी, आपको उन्हें बताना भी नहीं होगा कि भाई मेरा जो है, बस आपको ये बोलना है वहाँ पे कि सर मेरा पुलिस वेरिफिकेशन का जो है फाइल आया होगा, आप उसको आप वेरीफाई कर दीजिए, मुझे काफ़ी अर्जेंट है।
क्योंकि गाइज होता यह है कि जितने भी मेट्रो सिटीज़ होते हैं वहाँ पे जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है उनका एक अलग से जो है वेरिफिकेशन टीम बनाया जाता है, क्योंकि उनके ऊपर वर्क प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो हर चीज़ को जो है काफ़ी स्मूथली करना चाहते हैं। ऐसे में अगर आपने दिल्ली में अप्लाई किया है तो आप सुबह अपॉइंटमेंट से आएंगे, शाम को आपको पुलिस की कॉल आ जाएगी। लेकिन वही अगर आप बिहार यूपी किसी गाँव से हैं तो भाई आपको पुलिस वाले बिल्कुल वहाँ पर टेंशन फ्री होते हैं, उनके ऊपर उतना प्रेशर होता नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना है कि जिस दिन आप अपॉइंटमेंट से आएँ अगले दिन छोड़कर अगले दिन आप रेस्ट कर लें, और तीसरे दिन आप डायरेक्टली जो आपका लोकल जो है थाना है, जो आपने पासपोर्ट एप्लीकेशन में जो आपने अपना पुलिस स्टेशन फिल किया था, बिल्कुल आप वहीं पे पहुंच जाएं। वहां पे आप बोलेंगे कि मेरा पासपोर्ट का यहां पे वेरिफिकेशन का फाइल आया हुआ है, वेरिफिकेशन करवाना है। वो लोग तो इंतज़ार करते रहते हैं भाई कि कब पासपोर्ट एप्लीकेंट यहां पे आए, उन्हें खुद से ना निकलना पड़े। ऐसे में मुश्किल से वहां पे आपको 5 मिनट लगेगा और आपका सारा काम ओके हो जाएगा, और वो जो अगर आप उन्हें कुछ दे देते हैं तो वो बहुत जल्दी आपके फाइल को आगे बढ़ा देते हैं। और पासपोर्ट का जो पूरा मेकानिज़म है वो इतना फास्ट है कि जैसे ही उन्हें क्लियर रिपोर्ट मिल जाता है वो अगले दिन ही पासपोर्ट प्रिंटिंग का जो प्रोसेस होता है उसको इनिशिएट कर देते हैं, और आपको 2 से 3 दिन के अंदर जो है स्पीड के पोस्ट के माध्यम से आपके घर पे आपका पासपोर्ट आ जाता है। गाइज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने भी इसी चीज़ को एग्जीक्यूट किया था। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इसके बारे में डिटेल बहुत प्रॉपर तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाकर बताऊंगा कि मेरा अपना जो है अपना एक्सपीरियंस क्या रहा था। लेकिन यकीन माने मैंने जो है आप अपना थोड़ा सा एक शॉर्ट बता रहा हूँ। 4 अक्टूबर को मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरा था मोबाइल से, 5 को मुझे लकली अपॉइंटमेंट मिल गया था, ठीक है, 6 तारीख को मेरा पुलिस वेरिफिकेशन हो गया था, 8 तारीख को मुझे SMS आ गया था कि आपका पासपोर्ट प्रिंटिंग जो है इनिशिएट कर दिया गया है, और मुझे 11 तारीख को जो है मेरे घर पे ये मुझे मिल चुका था। तो आप लोग समझ सकते हैं टोटल 6 या 7 दिन लगे थे और बिल्कुल सारा प्रोसेस ओके हो गया था। क्यों? क्योंकि मैं खुद इनिशिएट हुआ था, मैं खुद एक्टिव हुआ था और मैं पहुंच गया था अपने थाने कि भाई मेरा ये आया हुआ है, सर थोड़ा अर्जेंट है कर दो। तो इस तरीके से आपको करना है, आपको इंतज़ार नहीं करना है। आप इंतज़ार करेंगे तो भाई आप काम आपका है, इंतज़ार आपका है, आप उनके भरोसे बैठे रहेंगे तो आप जो है इंतज़ार ही करते रह जाएंगे। दोस्तों अगर इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन है यार, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको प्रॉपर जो है स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल गाइड करूँगा, मुझे बहुत खुशी होगी। सो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद।